ಇದ್ದಾಗ ಗೌರವ ये स्थान का नाम उन्होंने आनंद धाम रखा। और जो वृंदावन धाम के और जहां पर स्वयं परम ब्रह्म परात्पर तत्व वो कर रहे हैं क्या, बोले यहां पर उन्होंने गैया चराई ठाकुर जी। जब कृष्ण गैया चराया करते थे भगवान का चरण स्पर्श से मानो ये रोंगट खड़े हो जाता। कभी जो झरना बहती है बोले ये झरना नहीं मानो आनंद थे उनका आंखों से आंसुओं की ये झरी प्रवाहित तो हो रही है। इसलिए ये वृंदावन धाम दिव्य अप्राकृत श्री वृंदावन धाम है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ये वृंदावन धाम की इतने महिमा है, बोले जिस वृंदावन धाम में बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदम, कहते जो वृंदावन धाम ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए जिस समय उन्होंने ब्रह्मा जी कृष्ण के बछड़े और उन्होंने सखाओं को चुराया, पहले तो सोच रहे थे साधारण कोई ग्वाल बाल है, लेकिन जब उनको पता चला कृष्ण कौन है ये परात्पर तत्व जब ब्रह्म हैं, कहते अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये कृष्ण कौन है, पर ये पूर्ण ब्रह्म ये सनातन है। इसलिए ब्रह्मा जी को जब वृंदावन की महिमा ब्रह्मा जी को पता चला, जब कृष्ण के चरण में उन्होंने माफी मांगी, भगवान कृष्ण कहते ब्रह्मा जी क्या चाहते हो, क्या ब्रज में मेरा कोई सखा सखी बनना चाहते हो, बोले नहीं 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 प्रभु, हम कहाँ सखा सखी बनने का, हम इतना कहाँ सौभाग्य किया ब्रज में सखा सखी बन सकते हैं। बोले भैया फिर तो मेरा कोई यहाँ पर कोई पशु पक्षी बन जा, बोले नहीं नहीं पशु पक्षी बनने का भी मेरी हिम्मत नहीं, बोले नहीं तो यहाँ पर घास भूसा बन गया, बोले नहीं नहीं नहीं, क्योंकि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वृंदावन के जो घास लता पत्ता यहाँ की जितने गुण लता ये सब सब कौन है, बोले कृष्णानुकूलम, ये सब के सब कृष्ण सेवा कर रहे हैं सब के सब। मेरा कहाँ इतना सौभाग्य वृंदावन में ये घास भूसा होकर के यहाँ पर लता होकर कहाँ जन्म लेने का सौभाग्य कहा, बोले क्या चाहते हो, बोले प्रभु जी ब्रज की बाहर जहाँ पर छोटे जाति के लोग रहते हैं अगर उनके घर को सामने अगर हमारी पत्थर जन्म हो जाए, अगर वे लोग मेरे को अपना चरण मेरे सर को ऊपर रगड़े तो अगर उन्हीं की अगर चरण धूल मिल जाए, ब्रह्मा जी कहते मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। इतने में जब ब्रह्मा जी वृंदावन में छोटे जातियों के चरण की धूल प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी कहते ब्रह्मा जी आप तो ब्रह्मा हो, ब्रह्मा मतलब क्या, जब ब्रह्मा मतलब होता है ब्रह्मा एवं सर्वभीत भवे, वो हमारी आदि गुरु ब्रह्मा जी है, वो साधारण व्यक्ति नहीं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। बोले आप ब्रह्मा हो करके इतने छोटे चीज की कैसे प्रार्थना कर रहे हो, बोले भैया ब्रज के बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं ना वो भी साधारण व्यक्ति नहीं, उनका जीवन क्या है, बोले कृष्ण की हंसी ही इनका जीवन है, ये भी कोई साधारण नहीं। इसलिए वृंदावन धाम में ब्रह्मा जैसे व्यक्ति ये वृंदावन धाम के लिए यहाँ पर पत्थर जन्म लेना चाहते हैं ब्रह्मा जी। शंकर जी कहते वृंदावन धाम में शंकर जी जहाँ पर शंकर जी स्वयं ये गोपीश्वर महादेव रूप में स्वयं शंकर जी प्रवेश किया वृंदावन धाम में, प्रवेश करने के लिए रास दर्शन करने के लिए उन्होंने गोपी रूप भी धारण की, लेकिन उनको चोटी पकड़ कर गोपियों ने निकाल दिया। गुरु जी कहते गुलचा मारने लग गए हैं, उनको गुलचा मारने लग गए, शंकर जी रोने लग गए, पौर्णमासी को बुलाए, कृष्ण ने कहा भोले ये क्या है, ये क्या रूप तुम धारण कर रहे हो, ये क्या गोपी रूप धारण करके रहते, बोले ठाकुर जी तेरी बंसी ध्वनि सुन करके मेरे मन में भी इच्छा हुई तुम्हारी रास दर्शन करे। बोले शंकर जी ऊपर में तो तुमने गोपी रूप धारण किए, लेकिन जब तक तुम ये गोपी भाव नहीं हो तब तक प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए कहते शंकर भी जहां पर प्रवेश इनके लिए दुर्लभ, बोले ब्रह्मेश्वरादि है यहाँ पर स्वयं श्री लक्ष्मी अभी तक भी बैल मन में बैठी करके अभी भी लक्ष्मी कठोर तपस्या कर रही है,
कहते बिहाय सामान सुचिर धृत व्रता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते अभी भी लक्ष्मी ये वृंदावन धाम में अभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाए। जहां पर उद्धव जैसे व्यक्ति जहां पर प्रार्थना करते हैं तृण गुल्म औषधि, कहते यहाँ घास भूसा औषधि वृक्ष रूप में कौन प्रार्थना करते, बोले उद्धव जी प्रार्थना करते हैं। बोले भैया ये वृंदावन धाम की इतने महिमा, अगर राधा रानी कभी अगर मान कर लेना कुंज में, अगर कभी राधा रानी भी मान कर लेती हैं जहाँ पर कभी कभी कृष्ण के लिए भी, जहाँ पर राधा रानी की चरण कृष्ण के लिए भी दुर्लभ हो जाता है, जहाँ पर कहते जत किं करि सुभौस खलु काक वाणी नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदा वृषभा निजाया तत केल कुंज भवनां गनी मार्जनि श्याम। जहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती प्रार्थना करते जिस निकुंज में श्री राधा रानी मान करके बैठी हुई, कृष्ण जहाँ पर स्वयं राधा रानी की बात छोड़ दो, जहाँ पर कृष्ण भी स्वयं जिस कुंज में प्रवेश करने के लिए सखी मंजरियों के पास में बड़े कातुत विनती करते हैं, इसलिए भैया कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए ऐसे जो वृंदावन धाम है हम लोग कितने सौभाग्यवान, कितने सौभाग्यवान, ये मत समझो हमारे पास में पैसा था, पैसा का टिकट बनाए और यहाँ पर आकर परिक्रमा करे, भैया ये पैसा यहाँ नहीं ला सकते हैं, अरब खरबपति पड़े हुए हैं, अरब खरबपति पड़े हुए नहीं आ पाए, लेकिन हम कैसे आ गए हैं। श्री गुरु जी की कृपा है, श्री राधा रानी की कृपा है जो हम सबके सब श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए हम लोग ये जो वृंदावन धाम परिक्रमा करते करते आए, हर जगह पर ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ पर कृष्ण ने उन्होंने सुंदर सुंदर उन्होंने लीला नहीं की है। हम आते समय एक जगह पर हम थोड़ी समय बैठे थे जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का विश्राम स्थल था। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री महाप्रभु भी जब वृंदावन में स्वयं महाप्रभु आए वो भी प्रेम में गदगद हो गए, उनका प्रेम सत्वगुण बढ़ गया वृंदावन धाम में आने पर। हमारे जितने गोस्वामी लोग श्री वृंदावन की वृक्ष को एक एक वृक्ष को नीचे एक एक दिन रुक करके भजन साधन करते थे, क्योंकि ऐसे कोई स्थान नहीं वृंदावन में जहाँ पर कृष्ण ने ये मधुर से मधुर उन्होंने लीला नहीं की। इसलिए जो वृंदावन धाम है हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो ये वृंदावन धाम को परिक्रमा कर रहे हैं, और परिक्रमा करते करते हम लोग बहुत सारे लीला स्थलियों को हम लोग ने पार करते, हम लोग यहाँ पर बहुत सारे लीला स्थलियों को पार करते आए। इसलिए हम लोग यहाँ के धूल को, वृंदावन धाम में भक्तों को, श्री गुरु जी की चरण को हम लोग वंदना करते हैं। कभी ना कभी ये वृंदावन धाम में हमारे प्रवेश हो। और कृष्णा को नारद जी वरदान भी मांगे, क्या वरदान है, अगर ये जो कार्तिक महीना, कार्तिकेश्वरी कौन है, श्रीमती राधा रानी, अगर ये कार्तिक महीना में परिक्रमा की तो विशेष महत्व है। अगर कोई गुरु वैष्णव के अनुगत्य में कृष्ण जहाँ जहाँ पर उन्होंने लीला की उनके अनुगत्य में कोई जाए, जहाँ पर कृष्ण लीला की वहाँ पर बैठे, बैठ करके वहाँ की कथा सुने और वहाँ के चरण धूल को, लीला स्थली की धूल को अगर कोई शरीर में लगाए, नारद जी वर्मा गए जैसे वहाँ की लीला हृदय में प्रकाश हो और हृदय के सारे अनर्थ दूर हो जाए और वहाँ की लीला जैसे हमारे हृदय में प्रकाशित हो। इसलिए हम लोग ये वृंदावन धाम चिंतामणि, जो चिंता कर वही देते हैं, केवल हमारी एक ही चिंता, क्या चिंता है, अरे बोलो क्या चिंता, बोलो क्या चिंता करते हो, बोलो दोस्त संतों को सामने क्या चाहते हो, क्या चिंता कर रहे हो, घर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, हाँ महाराज कह रहे घर में क्या क्या हो रहा है, नहीं केवल हमें एक ही चाहिए, हमें एक ही चीज चाहिए, बोले कैवल्य अत्यम प्रयोजन, हमें एक चीज चाहिए गुरु वैष्णव के अनुगत्य में और श्री महाप्रभु धारा में, प्रभुपाद की धारा में हमारे गुरु जी जो चीज को देने के लिए चाहते थे, राधा रानी की चरण की सेवा, उनके पाल्य दासी का जो भाव है हमारे हृदय में, बस यही एकमात्र हमें चाहिए और कोई सांसारिक वस्तु का हमें प्रार्थना
नहीं करनी चाहिए। बोले श्री गुरु जी महाराज की, बोले श्री आनंद धाम की, सकल कर गौर हरि की, निताई गौर हरि की।